दोस्तों आज मैं आया हूँ कैलाशी निकले हो आपका खुजौली चौराहे से 200 मीटर की दूरी पे। जैसे देख सकते हैं वो आपका मेन रोड है और ये आपका कैलाशी निकले हो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डिटेल लेते हैं सौरभ सिंह से। तो सर जी पहले तो ये बताइए ये साइड है कहाँ पे? देखिए ये साइड जो है आपका ये सुल्तानपुर रोड से जो है रामरेली रोड के लिए जो बाईपास बनाया गया है कानपुर। अच्छा, वाला ठीक है। इसको हम न्यू जेल रोड बोलते हैं क्योंकि आगे आपका 1 किलोमीटर पे न्यू जेल पड़ता है। हाँ। इसको हम न्यू जेल रोड के नाम से जानने जाते हैं। अच्छा, ये वाला न्यू जेल है? ये जो है न्यू, हाँ, इधर आपका न्यू जेल है और ये जो सामने वाला हाईवे दिख रहा है फोर लाइन है, ये आपको न्यू जेल रोड के लिए जाना जाता है। जबकि इसका असल में जो नाम है वो NH-56B है। अच्छा, हाँ, NH-56B है और उससे लगी हुई साइट है। हाँ। और इधर अगर आप जाएंगे तो रायबरेली रोड आ जाएंगे, पीजीआई के लिए निकल जाता है। अच्छा। इधर की अगर बात करेंगे तो सुल्तानपुर रोड आ जाएगा। अच्छा। और अगर पीछे की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर बाद आपका आउटर रिंग रोड आ जाता है, उसके बाद फिर आपका अंसल स्टार्ट होता है और फिर आपका वृंदावन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उन सभी के बीच में है। इधर अगर पूर्वांचल देखेंगे तो मतलब एक समझिए एक ऐसी जगह पे है, ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे आपको थोड़े से समय में जो है आप सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। आप 10 मिनट लगता है यहाँ से, आप चाहे लुल्लू मॉल चले जाइए, चाहे मेदांता जाना हो, इधर आप पीजीआई के लिए जा सकते हैं, चाहे इधर सुल्तानपुर रोड जा सकते हैं, पीछे पूर्वांचल का बस स्टैंड बन रहा है वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन की साइट है। इधर आप अगर देखेंगे तो आप आते समय दिखा देंगे वीडियो में आपको खुजौली चौराहा पड़ता है, वहाँ से जो है आपको सीधा जो नगराम रोड निकला हुआ सीधा आपको जो है आर्मी कैंट के लिए ले जाती है सीधा तेलीबाग। अच्छा, यहाँ पे रोड का साइज क्या है, रोड क्या दिया जा रहा है? रोड में देखिए जो फ्रंट का रोड है ये हमने 30 फीट दिया रखा है। अच्छा, ये वाला रोड जो ये वाला रोड 30 फीट है? ये 30 फीट का रोड है, हमने इस पे जीटी भी करवा दिया है। सीवर का काम हमने बोला था, सीवर का काम कंप्लीट करवा दिया है। इस साइट को लॉन्च किया हमें 1 मंथ हुआ है, मतलब 1 महीने हुए हैं। अच्छा। और 1 महीने के अंदर में हमने सारी चीजें जो हमने कंपनी से बोला था वो सारी चीजें कंपनी करके कम्प्लीटली दी है कस्टमर को। अच्छा। और इधर अगर देखेंगे तो लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड प्लॉट है और कुछ लोग अपना ले रखे हैं, बुकिंग भी करवा रखे हैं। इधर तो अभी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे जो है प्लॉट है ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रिया हो चुकी है, कुछ कस्टमर है जो अपनी बाउंड्रिया करवाने के लिए समय दे रखे हैं। जैसे इधर आप देख रहे हैं बाउंड्री हो गई है, इस रोड में भी देखेंगे तो आगे बाउंड्री हो गई है, तो इधर भी बाउंड्री आओगी अभी 2-4 दिन में आप आगे दिख जाएंगे आप। अच्छा, वो सामने बाउंड्री दिख रही है? हाँ, सामने बाउंड्री दिख रही है, वैसे ही बाउंड्री होते हुए पूरा आपको दिखेगी। अच्छा जी, तो बहुत ही शानदार प्राइम लोकेशन। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई विजिट करना चाहेगा तो दोस्तों किसी को भी विजिट करना हो तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे पार्क भी दिया जा रहा है? इसमें पार्क के लिए अभी तो पार्क नहीं है, मैं जो है सारी चीजें क्योंकि बहुत बड़ी टाउनशिप नहीं थी, टोटल थोड़ी छोटी टाउनशिप थी और हमने छोटी टाउनशिप में ही सारी फैसिलिटी दे दी है कस्टमरों के लिए। चारों तरफ से बाउंड्रियां करवा दिए हैं, बाकी ये आपका देख ही रहे हैं सारी चीजें कंप्लीट करवा के दे दिए, मतलब किसी प्रकार की कोई जो है सुविधा नहीं है। अच्छा ठीक, थोड़ा आगे चले। जी बिल्कुल, आप चलिए। वो भी है क्या, वो जो सामने? हाँ, ये पूरी वो सामने। जी 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 जी, वो मेरा ही है पूरा। अच्छा, वो भी आप ही क्या है? जी वो मेरा ये ही कितने है? मतलब कितने बीघा में है? ये टोटल जो है 8 से 10 बीघा की प्रोजेक्ट है, पूरा प्लानिंग है हम लोग की और आगे बढ़ाने की। अच्छा जी, तो हमने अभी जो है 8 से 10 बीघे का ये छोटा प्रोजेक्ट है जिसको हमने बेहतरीन डिजाइन कर दिया है। अच्छा, सारी चीजें जी। और यहाँ पे सबसे खास बात देखिए, हमने दिया गया है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो आपने दिखाया होगा एसटीपी में। तो एसटीपी का काम हमने कंप्लीट इसलिए करवा दिया है क्योंकि जान ही रहे हैं कि अभी तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं कोई दिया था, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए। अच्छा ठीक है, अभी देखेंगे आप जो है सरकारी एलडी जाएंगे उसमें आप देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग दिया जाता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी तक कोई नहीं दिया था, हमने वो काम भी करके लोगों को दिया। अच्छा, ये बाउंड्री कौन लगवाया, आप लगवाए? जी जी, ये हमने ही करवाया है, हमारी सोसाइटी से बाउंड्री हुई। अच्छा, किसी क्लाइंट का है? हाँ, ये किसी क्लाइंट का है, ये ले रखे हैं। अच्छा, जी, तो ये मतलब किसी क्लाइंट ने अपनी बाउंड्री लगवा दी। हाँ, ये अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से लुल्लू मॉल कितना दूर पड़ेगा? लुल्लू मॉल जो है आपको नेट यहाँ से आपको मिनट की बात करेंगे तो आप सिर्फ जो है 8 अपने कार से है तो 8 से 9 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, 8 से 9 मिनट की दूरी में आप जो है सीधा लुल्लू मॉल हो गया, चाहे वो मेदांता हॉस्पिटल हो गया, मतलब समझिए आप यहाँ से 3 किलोमीटर बाद से आपका पूरा अंसल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और अंसल में ही आपको सारी चीजें हैं तो आपको दूरी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अंसल की सड़कें तो बहुत चौड़ी चौड़ी जी, बिल्कुल सारी चीजें हैं। तो अंसल में अंसल है जी, अंसल कोई नया है नहीं, सारी चीजें उसी में, चाहे वो मैदान। पीजीआई कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? पीजीआई जो है आपको यहाँ से लमसम पड़ जाएगा 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, जाएंगे आप पीजीआई 7-8 किलोमीटर की दूरी पीजीआई पड़ जाएगा। अच्छा। और मोहनलालगंज का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से आपको 4 किलोमीटर 3
3-3.5 किलोमीटर पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाता है। ये सारे लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्री करवा ली है। जी जी बिल्कुल, देख सकते अपना लोग लेके बाउंड्री करवा चुके हैं सारी चीजें। सभी लोग जो भी अभी यहाँ पे आए हैं सब लोग जो है संतुष्ट होके गए हैं। यहाँ पे 3 महीने का समय दिया जा रहा है पेमेंट के लिए, जैसे किसी के पास कोई समस्या है तो उन लोगों के लिए जो है 3 महीने का समय दिया जा रहा है वेटिंग लिस्ट में, कि आप आराम से 3 मंथ में हमें धीरे धीरे करके कम्प्लीटली कर सकते हैं। अच्छा, 3 महीने में पूरा पेमेंट करना? बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए, आप बुकिंग करवा के बाउंड्री करवा लीजिए, अब हमें 3 महीने के अंदर में हमारा पूरा पेमेंट आप दीजिए और आराम से। रेट कितना बताया आपने? रेट जो है यहाँ का 1499 है, प्लस जो है अगर आपके वीडियो के माध्यम से आएंगे तो हम रजिस्ट्री फ्री दे देंगे। अच्छा, रजिस्ट्री फ्री मिल जाएगा? बिल्कुल, आपके वीडियो से आएंगे तो रजिस्ट्री फ्री हो जाएगी, प्लस उसमें आपको उनमें अगर वो प्लॉट लेंगे तो उनके साथ साथ जो है एक उनको पल्सर बाइक भी गिफ्ट दी जाएगी, अगर उनके माध्यम से कोई लेगा तो। अच्छा जो ये सारी, तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है विजिट के लिए और आप चैनल का नाम बताते हो तो आपको रजिस्ट्री सिर्फ आपके वीडियो से गिफ्ट होगा और आपको एक पल्सर बाइक भी दिया जाएगा। और जैसे देख सकते हैं ये है यहाँ का साइट, ये सब लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्री करवा लिया है और रोड को तो आप देख ही रहे हैं, सीवर लाइन देख ही रहे हैं आप। ये देखिए ये सीवर लाइन आपका पड़ा हुआ है, पूरे रोड में सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो चुका है। और आपका ESTP भी सामने बना हुआ है, मतलब यहाँ का जितना भी गंदा पानी होगा उस ESTP में, वो ESTP इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे जितना भी वेस्टेड पानी होता है तो ये पानी होल्ड ना हो, क्योंकि होल्ड होने से थोड़ा सा गंदगी बढ़ती है, तो होल्ड ना हो इसलिए जो हमने वो सिस्टम कर दिया है कि ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे पानी वो जमीन के अंदर वापस, या सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी जो भी सीवर का पानी है गंदा पानी है ESTP में जा करके वो सोख करके जमीन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं सेफ्टी टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइए परचेज कीजिए, मकान बनाइए और रहना चालू कर दीजिए। और दूसरी बात, आप तत्काल में आप यहाँ मकान बना करके रह भी सकते हो, क्योंकि ये देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आउट क्षेत्र में है। अब मैं सर ये बहुत ही डेवलप है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर बात करते हैं आवास विकास का ये पूरा एरिया है, इधर आप देखेंगे तो पूरा आवास विकास है। अच्छा। तो ये बहुत ही डेवलप एरिया है, इसको हम जो है अभी आप देख रहे हैं जो ये पूरा आवास विकास का एरिया है, ठीक है। आवास विकास अगर आप चौराहे पे जाएंगे तो आवास विकास का जो है पूरा बड़ा सा मैप भी लगा हुआ है, उसकी प्लानिंग लगी हुई है। जी दोस्तों देख सकते हैं, और सामने मकान भी बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी मकान बना करके रह सकते हैं। वो सामने मकान बना हुआ है, उधर मकान बना हुआ है, ये सामने आपका रोड है, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे आपका खुजौली चौराहा है, तो ये कोई और जगह नहीं है। आप तत्काल यूँ समझिए कि ये रेडी टू मूव प्लॉट है और यहाँ आ करके आप तत्काल अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, और सब कुछ अप्रोक्सीमेट लगभग कम्प्लीट ही है। और ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं, देखिए रोड का भी ये गिट्टी पड़ी गया है, इसके ऊपर बस फाइनल टच करना बाकी है, सीवर लाइन आप देख ही रहे हैं सब कंप्लीट है। तो किसी को भी प्लॉट लेना हो, या यहाँ पे विजिट करना हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करें और यहाँ पे आपको विजिट कराया जाएगा। और चलिए मैं आपको ये ESTP प्लांट दिखाता हूँ, जो ये है आपका ESTP प्लांट जिसको बोलते हैं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है।